हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हाँ, मैं ही कौन हूँ, मेरी छाया ने सभी दिशाओं को अपनी लपेट में ले लिया है। अब ये राज्य और इस राज्य का राजा भी मेरी छाया का बंदी है। ये राजा भी नष्ट होगा, ये नगरी भी नष्ट हो जाएगी। जैसे विजय ध्वज ध्वस्त हुआ है, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। हम आदि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के पुत्र हैं, और तो और शक्ति में हम भोलेनाथ के बराबर हैं। फिर ये छोटे मोटे अशुभ शक्तियां हमारा क्या बिगाड़ सकती है कुमार? क्षमा करें महाराज, आप शक्तिमान हैं, महापराक्रमी हैं, और आपकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। आपने सबको ललकारा है, फिर भी महाराज, अशुभ संकेतों को साधारण और तुच्छ समझना उचित नहीं है। कुमार, उत्तर दिशा में जब तुम्हें धरती आकाश हर ओर प्रहरियों से घिरा देश मिल जाए, तो समझो तुम्हारा प्रेम नगर आ गया। प्रेम नगर? धन्यवाद ऋषिवर, धन्यवाद। मैं अभी जाता हूं उत्तर दिशा में अपनी प्रेमिका को खोजने। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। हे भोलेनाथ, ये कैसी अशुभ वाणी है? हे शिव शंकर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए भोलेनाथ। ये तो काल है, ये तो काल की छाया है। हाँ, मैं ही काल हूँ, मेरी छाया ने सभी दिशाओं को अपनी लपेट में ले लिया है। अब ये राज्य और इस राज्य का राजा भी मेरी छाया का बंदी है। ये राजा भी नष्ट होगा, ये नगरी भी नष्ट हो जाएगी। जैसे विजय ध्वज ध्वस्त हुआ है, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। विनाश, विनाश! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो होना है होकर रहता है, किसी के रोके से नहीं रुकता। परंतु मैं रोकूंगा इसे, मैं महाराज को बताऊंगा, रोकूंगा उन्हें विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से, उन्हें रोकूंगा। अशुभ संकेत, ये कैसी अर्थहीन बातें कर रहे हो तुम महामंत्री कुमार? हमारे लिए कुछ भी अशुभ नहीं, सब शुभ ही शुभ है हमारे भाग्य में। इसीलिए कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हम आदि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के पुत्र हैं, और तो और शक्ति में हम भोलेनाथ के बराबर हैं। फिर ये छोटे मोटे अशुभ शक्तियां हमारा क्या बिगाड़ सकती है कुमार? क्षमा करें महाराज, आप शक्तिमान हैं, महापराक्रमी हैं, और आपकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। आपने सबको ललकारा है, फिर भी महाराज, अशुभ संकेतों को साधारण और तुच्छ समझना उचित नहीं है। कुमार,
ब्रह्मांड, इसका अर्थ है कि तुम अशुभ संकेतों से भयभीत हो गए हो? हाँ महाराज, मैं अशुभ संकेतों से सचमुच भयभीत हो गया हूँ। ब्रह्मांड, हम नहीं जानते थे कि तुम इतने कायर हो। अरे तुम जैसे दुर्बल हृदय और डरपोक को सर्वशक्तिमान असुरेश्वर का महामंत्री तो क्या साधारण असुर होने का भी अधिकार नहीं है। क्षमा करें महाराज, मुझ पर कायर होने का आरोप उचित नहीं है, क्योंकि भयभीत मैं अपने प्राणों के लिए नहीं हूँ। फिर किसकी चिंता तुम्हें विश्राम सैया से इतने सवेरे हमारे सामने ले आई है? आपकी और इस असुर राज की सुरक्षा की चिंता। महाराज, इस राज्य की सुरक्षा का दायित्व मुझ पर भी उतना ही है जितना कि आप पर है। आप महाराज हैं तो मैं महामंत्री हूँ। महामंत्री हो तो महानता दिखाओ कुमांड। राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करने के बदले किसी काल्पनिक काली छाया को काल की छाया समझने की भूल मत करो। क्या तुम नहीं जानते यदि स्वयं काल आ जाए तो भी मेरा बाल का बाका नहीं कर सकता? महाराज, मैं स्वयं काल बनकर अपने शत्रुओं पर टूटना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति से त्रिलोक भयभीत रहता है उसे तुम काल्पनिक काल छाया से डराना चाहते हो? कुम्हांड, छाया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुम्हांड, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाराज, जब एक चित्र असुरेश्वर के विजय ध्वज को ध्वस्त कर सकता है तो क्या छाया कुछ नहीं बिगाड़ सकती? कुम्हांड, क्षमा करें महाराज, आप जिसे केवल काल्पनिक छाया कह रहे हैं वो काल्पनिक छाया नहीं, काल की छाया थी, जिसे आप राजकुमार अनिरुद्ध का केवल साधारण चित्र समझ रहे थे। वो भी केवल साधारण चित्र नहीं था महाराज, वो एक संकेत था। किस बात का संकेत कुम्हांड, किस बात का संकेत? आने वाले भविष्य का संकेत, कि जब राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र आपके विजय ध्वज को ध्वस्त कर सकता है तो जब वो स्वयं आपके सामने आ जाएगा तो आपको भी परास्त कर सकता है। यदि अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो इसी क्षण मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ कुम्हांड, दूर हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। अनिरुद्ध का चित्र जब आपके विजय ध्वज को ध्वस्त कर सकता है तो जब वो स्वयं आपके सामने आ जाएगा तो आपको भी परास्त कर सकता है, तो आपको भी परास्त कर सकता है। अनिरुद्ध, आओ मेरे सामने, मेरी तलवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ, आओ मेरे सामने कायर। मैं आपके हृदय की धड़कन हूँ, मैं आपके हृदय की स्वामिनी हूँ। जाने कौन है वो, कहाँ है, कब मिलेगी मुझे? ये प्रेम भी बड़ा विचित्र रोग है, किसी पल चैन नहीं लेने देता। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? नारायण 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 नारायण। प्रणाम ऋषिवर। ईश्वर तुम्हारी इस दशा पर दया करे। राजकुमार अनिरुद्ध, आज आप बड़े ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, आपका चित्त कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा। ठीक रह भी कैसे सकता है ऋषिवर? क्यों, क्या हुआ? मेरी दशा तो उस मनुष्य की भांति है जो रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है। उसे जल अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है, वो आगे बढ़कर वहां उस तक पहुंचना चाहता है, पर जैसे ही जब कुलाचे भरकर वो वहां तक पहुंच जाता है
पानी और भी दूर दिखाई देने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे पाने की, पर उसे सफलता नहीं मिलती। मेरा मन भी ठीक उसी प्रकार उसके सपने देखता है, पर जब मेरी आंख खुलती है तो वही मृग तृष्णा। हाँ निरुद्ध, ये प्रेम एक मृग तृष्णा ही तो है, जो वियोग के मारे प्रेमी को तड़पा तड़पा कर, तरसा तरसा कर मार डालता है। तो मेरी इस गुप्त प्रेम कथा का ज्ञान आपको भी है? नारायण नारायण। परंतु ऋषिवर, मेरे मन की दशा ऐसी हो रही है कि जिसे न मैं छुपा सकता हूं न बता सकता हूं। मैं अपने उस सपनों की प्रेमिका को ढूंढना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, पर विडंबना की बात तो यह है कि उसका आता पता तो दूर, मुझे उसका नाम तक नहीं पता। अनिरुद्ध, कस्तूरी तो हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण उसकी सुगंध से रसमग्न होकर कस्तूरी को ढूंढते हुए जाने कहां कहां भटकता रहता है। अर्थात ऋषिवर, आपको यह भी पता है कि सपने में मेरा दिल चुरा ले जाने वाली वह कन्या कौन है? पर मैं बताऊंगा नहीं। नारायण नारायण। नहीं ऋषिवर नहीं, आप मुझ पे इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकते। अब मुझ में इस वियोग को सहने की शक्ति और शेष नहीं है। मिलन की ठंडक के बिना प्रेम की अग्नि मुझे जलाकर राख कर देगी। नारायण नारायण। तो इसका अर्थ ये है कि प्रेम की अग्नि तुम दोनों के हृदय में बराबर बराबर लगी हुई है। आहा। अर्थात वो भी मेरे लिए उतनी ही उत्सुक है जितना मैं उसके लिए हूँ। ये प्रेम दिव्य प्रेम है, तुम नहीं जानते। इस प्रेम अग्नि की चिंगारी को दिव्य शक्तियों ने ही तुम दोनों के हृदय में रखा है, इसलिए तुम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम दोनों का मिलन अनिवार्य है। परंतु ऋषिवर, आप तो स्वयं हमारे मिलन में बाधा बने हुए हैं। आपने तो सुंदर कन्या का नाम भी नहीं बताया मुझे। मैं तुम दोनों के मिलन में बाधा डालने नहीं, बल्कि तुम दोनों को मिलाने का साधन बनकर आया हूं। फिर भी मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा और ना ही उसका पता स्पष्ट रूप से तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि यह प्रेम का अपमान होगा, है ना, यदि दो प्रेमी एक दूसरे को ढूंढ ना ले। परंतु परंतु क्या वत्स, जिस प्रकार तुमने उसे केवल पहली बार सपने में देखा था, उसी प्रकार उसने भी तुम्हें पहली बार सपने में ही देखा था, किंतु उसने कन्या होते हुए भी, हजारों बंधनों में बंधे हुए भी तुम्हारा नाम पता कर लिया। उसे यह भी पता है कि तुम कौन हो और कहां रहते हो। सच? हाँ, तो फिर तुम क्यों उसका नाम जानकर अपने प्रेम की गरिमा को कम कर दिखाना चाहते हो? परंतु मैं अपनी प्रेमिका को हर ओर देखता हूं, हर समय देखता हूं, इसलिए डरता हूं कि कहीं भटक न जाऊं किसी कस्तूरी हिरण की भांति मैं उसे खोजते खोजते। इसलिए कम से कम वो किस दिशा में रहती है इतना तो बताने की कृपा करें। तुम्हारी प्रेमिका का प्रेम अब गुप्त नहीं रहा, वो हजारों पहरों में है। उत्तर दिशा में जब तुम्हें धरती आकाश हर ओर प्रहरियों से घिरा देश मिल जाए तो समझो तुम्हारा प्रेम नगर आ गया। प्रेम नगर? धन्यवाद ऋषिवर धन्यवाद। मैं अभी जाता हूं उत्तर दिशा में अपनी प्रेमिका को खोजने। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। नारायण नारायण।